दोस्तों आज हमारे पास आया हुआ होंडा यूनिकॉर्न। होंडा यूनिकॉर्न में क्या प्रॉब्लम होता है कि जो क्लच पैड हो रहा है, क्लच पैड इसका उड़ जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके गाड़ी में हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जो इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल ख़राब रहता है ज़्यादा करके, ब्लैक कलर का काला कलर का ऑयल रहता है, एकदम हो जाता है, गट हो जाता है, वहाँ गाढ़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं जाड़ा, जाड़ा ऑयल हो जाता है। तो उसके वजह से क्लच पैड जो होता है, आप नया डाल दिया, नया डालने के बाद समझ लो 15 दिन, महीना या 3 महीने चलता है, वापस क्लच पैड उड़ जाता है। जैसे आपने नया ओरिजिनल कंपनी भी डाल दिया तभी भी उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसे आपको अगर बचना है, समझ लो आपकी गाड़ी क्लच पैड नहीं ख़राब होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो इंजन ऑयल है आपने नया डाल दिया, नया डालने से पहले आप क्लच पैड पूरा फिटिंग कर दिया, फिटिंग करने के बाद नया इंजन ऑयल डालने से पहले आप क्या करना चाहिए, जो डीजल होता है, समझ लो 1 लीटर डीजल लेके आपको गाड़ी के ऊपर डालना है, डाल के थोड़ा स्टार्ट करना है, ज़्यादा टाइम तक नहीं, फिर स्टार्ट करके इसको पूरा अच्छे से निकाल देना चाहिए, थोड़ा टाइम तक वो बोल्ट को जो नीचे होता है ऑयल बोल्ट और खुला रहना चाहिए, वो निकाल देना चाहिए अच्छे से। फिर आपको इंजन ऑयल फिर डालना है, डालने मतलब कैसे डाल दिए, इंजन ऑयल सस्ता और थोड़ा रहता है वो डाल देना चाहिए। डालने के बाद उसको आप 500-400 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, चलाने के बाद वापस इंजन ऑयल चेंज कर दो। ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी गाड़ी का 100% क्लच पैड नहीं ख़राब होगा, नहीं तो क्या होता है, जो गाढ़ापन है क्लच पैड तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए ख़राब है, सूखा चलता है, सूखा चलने की वजह से क्लच पैड ख़राब हो जाता है। अब ये गाड़ी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसमें जो प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम हो कि मैंने ही क्लच पैड डाला था उसमें, तो सामने वाला कस्टमर ने इसको ज़्यादा टाइम तक यूज किया, टाइम बाई टाइम उसको जो मैंने इसको बताया था तरीका, वो तरीका नहीं यूज किए, तो क्या हुआ, क्लच पैड उसका ख़राब हो चुका। तो क्लच पैड जो होता है, अभी हमारे पास जो हमारे एरिया में मिलता है इसका क्लच पैड पूरा कंप्लीट का प्राइस है, पूरा कंप्लीट जो होता है उसका प्राइस है 1650 रुपया प्राइस है। समझ लो आप इंजन ऑयल और ये सब अगर यूज करोगे नया, जैसे आप कोर्स कैस्ट्रोल का डालोगे तो 570 रुपये का भी ऑयल है, 480 रुपये का भी ऑयल है, वो आपके ऊपर है, आपकी कौन से गाड़ी में आप ऑयल डालते हो आपके ऊपर है। समझ लो नहीं नहीं करके आपके गाड़ी में खर्चा कम से कम 2200 या 2300 रुपये खर्चा आ जाता है। तो इसको बचने के लिए आप जो मैं तरीका बताऊँ, तरीका यूज करोगे तो 100% आपकी गाड़ी का क्लच पैड नहीं जाएगा, आपकी गाड़ी का जो होता है इंजन जल्दी ख़राब नहीं होना। तो क्या होता है, इससे अगर जैसे इंजन वाला इसमें था, इस तरीका का रहेगा तो आपकी गाड़ी का स्मूथ भी मानना चालू हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहिए, अभी जो मैंने वीडियो आप अभी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, आप वीडियो देखिए, उसका जो क्लच पैड का पोजीशन जो ऑयल था कैसे उसका ख़राब हो चुका हुआ था, वापस रिपीट करो। इससे बचने के लिए आपको ये जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका आप यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन सही रहेगा, क्लच पैड भी सही रहेगा। तो मेरे पास आया हुआ है होंडा यूनिकॉर्न। पहले आपको स्टार्ट करके इसको चला के थोड़ा आपको बताता हूँ, बताने के बाद आपको ये गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो भी बताऊँगा और किस वजह से ख़राब होता है वो भी बताऊँगा। पहले आपको गाड़ी सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके आपको चला के दिखा दे। ये गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी इसको स्टैंड से उतार दिए। स्टैंड से उतारने के बाद अब ये देखिए क्लच पकड़ रखा हुआ है, गाड़ी गियर में जा रही है, गाड़ी गियर में गई, क्लच छोड़ने के बाद ये देखिए पूरा फुल स्पीड देके भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, जिसे चलना चाहिए जो स्पीड में वो स्पीड में गाड़ी नहीं चल रही है। और इसका जो वजह है क्लच पैड का प्रॉब्लम है, आपको दिखाऊंगा कि क्लच पैड क्यों ख़राब होता है। आपको फर्स्ट टाइम बता दे रहा हूँ फर्स्ट कि क्या होता है जब क्लच ख़राब होने वाला रहता है। कभी कभी जो क्लच हो, देखा इसमें प्ले है, देखिए कोई भी गाड़ी में जो होता है क्लच, इसमें थोड़ा से हल्का से प्ले रहना चाहिए। एक तो पूरा फुल टाइट हो जाता है, फुल टाइट होने के बाद फिर क्या होता है क्लच पैड आस्ते आस्ते ख़राब हो जाता है, एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न होता है जो क्लच होता है, कोई भी जिसे बंदा या कोई भी आदमी से गाड़ी से चलाते हैं तो इसको हाफ क्लच, इसको हाफ क्लच बोला जाता है। कभी आपने गाड़ी खड़ी की है, खड़ी करने के बाद आप क्या करते हाफ क्लच क्लिप, इसको हाफ पकड़े रहते और ब्रेक दबा के रखे रहते, तभी भी गाड़ी का आपका क्लच पैड ख़राब हो जाता है जल्द से जल्द।
तो आपको अगर खड़ा करना है गाड़ी तो एक तो फर्स्ट टाइम तो आप ल्यूटर्न करके खड़ी करना चाहिए, नहीं तो आपको क्लच से जो है फुल ऐसे हाथ तक टच होना चाहिए। अगर आप टच करके कर रहे हो तो आपकी गाड़ी जो गियर होता है गियर भी सही रहता है। अगर हाफ पकड़ के आप गाड़ी गियर में भी डालते हो तो आपको साउंड आएगा खट खट करके, जितना बार डालेगा उतना बार साउंड आता है, ज़्यादा साउंड आएगा हाफ पकड़ के अगर करोगे तो। अगर फुल पकड़ोगे, फुल पकड़ने के बाद जैसे आप गाड़ी गियर में डालोगे तो उसे आपको साउंड थोड़ा कम आता है। ये आपको बता दिए ऐसे फर्स्ट सेकंड रिविजन बता दिया, फर्स्ट भी बता दिया कि जो होता है पूरा फुल टाइट होता है तभी भी गाड़ी का क्लच बैठ जाता है, हाफ पकड़ के गाड़ी रखते तभी भी क्लच बैठ जाता है। अब तीसरा रीजन बता रहा हूँ मैं, तीसरा रीजन होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कभी कभी पूरा एकदम ख़राब हो जाता है, ख़राब होने के बाद बहुत टाइम हो जाता है, जैसे मतलब डालने के बाद उसे इंजन ऑयल डाल दिया, डालने के बाद बहुत टाइम हो जाता है, तो उसके वजह से भी क्लच पेड ख़राब होता है। आप सेकंड टाइम में डाले, सेकंड टाइम में भी क्लच पेड जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए, तो आपको क्या करना है सेकंड टाइम में जब गाड़ी क्लच पेड डाल रहे हो, फर्स्ट आप डाल चुके फिर वापस उड़ गया, फिर दूसरी बार डाल रहे हो फिर उड़ जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए डीजल डाल के अंदर इंजन में थोड़ा उसको स्टार्ट करके समझ लो अंदर से वाश हो जाता है धुल जाता है अंदर से। अभी इसका मैं आपको इंजन ऑयल खोल के दिखाता हूँ, इंजन ऑयल इसका कैसे ख़राब हो चुका हुआ है। इतने अभी मैंने ओपन नहीं किया, आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो इंजन ऑयल था फर्स्ट टाइम में इंजन ऑयल पूरा ख़राब हो चुका हुआ था, इसने इस जो गाड़ी चलाने वाला हाफ क्लच पकड़ के यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए इसका भी क्लच पेड ख़राब हो चुका हुआ है। अब इसका आपका इंजन ऑयल दिखा रहा हूँ, इंजन ऑयल इसका कैसे ख़राब हुआ है, इसके वजह से भी क्लच पेड जाता है। अब ये ओपन हो चुका हुआ है, देखिए नट ओपन हो रहा है, इसका जो बोल्ट बोलते हैं ये बोल्ट ओपन हुआ है। अभी देखिए वाइल देखो जो निकल रहा है, वाइल का कंडीशन देखो कैसी है, ये देखिए वाइल, देखिए पूरा वाइल, ये देखिए वाइल एकदम जिससे जाड़ा हो चुका हुआ, देखिए वाइल एकदम ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से भी क्लच पेड ख़राब हो जाता है। अभी इसको मैं जब क्लच पेड जब चेंज करूँगा या उससे पहले या उसके बाद आप एक लीटर डीजल डाल के अच्छे से इसको थोड़ा सा हल्का स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करके वापस से उसको जो ये बोल्ट होता है वाइल का इसको वापस निकाल देना चाहिए, थोड़ा सा स्टार्ट करके, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। डीजल डाल के वॉश करोगे तो जो इसका कंडीशन ऑयल का है ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी का क्लच पेड नहीं उड़ेगा। अभी इसके लिए पूरा जो क्लच पेड होता है पूरा जो कवर होता है उसको ओपन करना पड़ता है, और राइट साइड में जो कीक आता है वो कवर बोलते हैं उसको, क्लच कवर, इसको क्लच कवर बोलते हैं। तो इसको अभी पूरा ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके इसके अंदर जो होता है क्लच पैड प्रेशर पैड इसके अंदर आता है। अभी पूरा इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और भी वीडियो हमारी बनी है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे इसको ओपन करते कैसे फिटिंग करते। तो अभी ये वीडियो के अंदर मैं पूरा ओपन करके आपको जो क्लच पैड है इसका कंडीशन बताऊँगा, क्लच पैड कैसे इसका ख़राब हो चुका हुआ है, तो इसलिए गाड़ी में पिकअप नहीं आता है। अगर गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी इंजन पूरा हीट होगा, जो एयरेज बोलते हैं जिसको माइलेज बोलते हो आपको नहीं मिलेगा क्लच पेड जाने की वजह से। पेड हमने पूरा इसको ओपन कर चुके हुए हैं, ओपन करने के बाद आपको अंदर हम दिखा रहा हूँ, इसमें वाइल देखिए कितना गंदा वाइल इसमें रहता है, देखिए पूरा समझ लो एक मट्टी के जैसे हो चुका हुआ है ये देखिए। तो आप सोचोगे कि क्लीन जैसे सफ़ा कर देना चाहिए, सफ़ा तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे अंदर है जैसे हेड ब्रेक में हेड में भी चले जाता है, और दूसरी जगह भी किधर किधर कोने कोने में किधर फंसा हुआ रहता है वाइल, तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से धो निकल जाए, ऐसे नहीं होता है। आप इसमें डीजल डाल के जैसे पूरा फिटिंग करना चाहिए, फिटिंग करके इसमें डीजल डाल के वॉश करना चाहिए, थोड़ा स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट होने के बाद फिर क्लीन कर देना चाहिए, जो वाइल का बोल्ट है उसके थ्रू से निकाल देना चाहिए, ज़्यादा टाइम स्टार्ट करके नहीं रखना चाहिए। ये आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये कमेंट आता है, कॉल भी आता है, बोलते सर कितना टाइम रखना चाहिए, टाइम के ऊपर ने जैसे स्टार्ट किया थोड़ा टाइम में एक मिनट या दो मिनट के अंदर वापस गाड़ी बंद कर देना चाहिए, इस तरीका इसको वापस जो होता डीजल निकाल देना चाहिए, ये काम करना है। इसका देखिए कंडीशन देखिए, इसका जो क्लच पेड प्रेशर पेड आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, अभी इसका कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं, इसको हम लोग हाफ बोलते,
तो ये हब जो होता है, यहाँ से आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, पूरा एक कट गया हुआ है, तो ये भी कटा हुआ है। और दूसरा जो होता है ये देखिए, ये भी कटा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसको एकदम घिस के लगा देना चाहिए, आप घिस के लगा सकते हो, मतलब गाड़ी का जैसे क्लच पेड काम करना चाहिए उसे काम नहीं करेगा। अगर आपको इसमें ले, आपके पास बजट कम है, आपके पास पैसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, इसमें एक प्लेसर पेड, सब चीज़ फिटिंग होने के बाद बीच में एक प्लेसर पेड डाल देना चाहिए, तो आपकी गाड़ी का जो क्लच पेड जैसे काम पहले कर रहा था उसे काम करता है। प्लेसर पेड किसको बोलते हैं, इसको, इसको प्लेसर पेड बोलते हैं। अब इसमें प्लेसर पेड आता है कितना, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए इसमें चार प्लेसर पेड आता है, इसको प्लेसर पेड बोला जाता है, और इसको क्लच पेड, ये देखिए इसको क्लच पेड बोला जाता है। अगर पूरा समझ लो कंप्लीट लेने जाओगे, अभी इस टाइम में जो भाव इसका है, समझ लो 1650 या 1700 रुपया है, 2000 रुपीज़ का आसपास ये पूरा आ जाता है, समझ लो इंजन ऑयल भी आ जाता है आपको उसमें, और प्रेशर पेड क्लच पेड पूरा कम्प्लीट आता है। अगर पूरा समझ लो ये लेने जाओगे तो 1700 रुपये के 350 का ऑयल आता है। अगर कैस्ट्रोल लेने जाओगे तो आपको इस टाइम को जो प्राइस है 380 रुपये का प्राइस है ऑयल का, इंजन ऑयल का। तो टोटल अगर आपको सब डीजल डाल के वॉश करने जाओगे पूरा कंप्लीट खोल फिटिंग का, आपको 2500 रुपये के अंदर काम हो जाता है ओरिजिनल सामान। अगर आपके पास बजट कम है तो ये जो प्लेसर पेड होता है आपको दिखा दे रहा हूँ, कैसे इसको फिटिंग किया जाता है वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। आगे पर आपके पास बजट कम है मैं उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी देखिए, पहले डालना चाहिए प्लेसर पेड, सॉरी एक क्लच पेड है, तो इसके बाद में इसको बोला जाता है प्रेशर पेड। आपको टंपा वाई दिखा रहा हूँ मैं, जिसके बाद बजट कम है उसके लिए बता रहा हूँ, वो डाल के यूज कर सकते हो। अभी ये देखिए, ये हो गया क्लच पेड, फिर हो गया एक प्रेशर पेड। अब इसमें आप देखिए, एक लगा चुका हूँ एक इसमें, अब दूसरा क्या करना चाहिए, अगर आप बजट कम है तो यहाँ एक वापस फिटिंग करना चाहिए जो आप नया लेके आओगे। फिर उसके बाद में जो क्लच पेड होता है वो फिटिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद में प्रेशर पेड करना चाहिए, फिर उसके बाद में क्लच पेड डालना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक प्रेशर पेड आता है वो डालना चाहिए। अभी मेरे पास तो है नहीं, आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद में हाफ आता है, देखिए। तो इसको फिटिंग कर देते तो आपका थोड़ा जो बजट कम है तो बराबर परफेक्ट गाड़ी चलता है, गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर पूरा नया डालने जाओगे तो आपको 2500 के अंदर आपको खर्चा हो जाता है मैकेनिकल लेबर चार्ज पकड़ के। अब इसमें आप कोई भी बंदा इसे कमेंट करेंगे, बोलता है सर डुप्लीकेट का भाव मुझे पता नहीं, हमने कॉल लगा के भाव पूछे, तो इसका जो प्राइस है पूरा कंप्लीट का 1650 रुपये का है। अभी किसी को हिंदी तो आपको समझ में, किसी के इंग्लिश समझ में, इसे हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, 1650 रुपीज़ का ये समझ लो पूरा कंप्लीट आता है। आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत इजी से आपके पास पहुँचेगा।